नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो का थर्ड सीरीज लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, शिवाजी स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत है? फ्रेंड, भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है, अरावली। नेक्स्ट, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है? फ्रेंड्स, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है दिल, जिसको हृदय भी बोला जाता है। हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग दिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खां। इसमें फरीद सिर्फ दिया हुआ है, फरीद खां कर लीजिएगा। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइव नंबर। चोल वंश का संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। नेक्स्ट सिक्स, डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेंड, डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, हमारे देश का प्रथम नागरिक होते हैं? तो फ्रेंड, हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर, आप लोग याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोकटक झील कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, मणिपुर, याद कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई क्वेश्चन तो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, देवदास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड, देवदास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी है, शरत चंद्र चटर्जी, देवदास के लेखक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूस का मुद्रा है? रूस का मुद्रा है फ्रेंड्स रूबल, रूस का मुद्रा रूबल है, रूबल, याद कीजिएगा। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स हैं एप्पल कंपनी के संस्थापक। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन, या वायुमंडल में 78% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 16, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो फ्रेंड, पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को, जो गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो फ्रेंड, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि के टोटल याद कर लीजिएगा 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो जाहिर सी बात है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का सतह का तापमान लगभग होता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा पुष्प है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया, रेफलेसिया, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सबसे छोटा पुष्प है उल्फिया। चलिए नहीं देते हैं फ्रेंड्स,
योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि, पतंजलि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पिछौला झील कहाँ स्थित है? तो देखिए पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है, उदयपुर राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। साथ ही साथ फ्रेंड यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय WTO जिसको बोला जाता है, WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में है, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स शांति निकेतन के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। चलिए नहीं देते हैं फ्रेंड्स, गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश में है, और प्रति हेक्टेयर के मामले में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब है फ्रेंड्स, याद कीजिएगा। चलिए नहीं देखते हैं, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। चलिए नहीं देखते हैं, पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा, भांगड़ा है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य। चलिए नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, आगरा शहर का संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स आगरा शहर के संस्थापक लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था, 1504 ईस्वी में, याद कीजिएगा। चलिए नहीं देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसके जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और साथ ही साथ आप लोग फ्रेंड याद कीजिएगा, राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता हैं, लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में, याद कीजिएगा आप लोग सारामती पर्वत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 35 बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है टक्का, बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टक्का है और इसकी राजधानी है ढाका। चलिए नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का प्रमुख बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत का प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम तमिलनाडु में राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, साथ ही साथ रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो फ्रेंड रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में, 1949 में। और साथ ही साथ इसका जो स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, 1935 ईस्वी में, आप लोग याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो फ्रेंड भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा, भोपाल गैस त्रासदी में MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और यह घटना हुई थी 3 दिसंबर, फ्रेंड्स याद कीजिएगा 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यह घटना घटित हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सांची स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो फ्रेंड सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, सांची स्तूप जो MP में स्थित है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए नहीं देखते हैं फ्रेंड, पौधे में पानी का संवहन करता है? तो फ्रेंड पौधे में पानी का संवहन करने वाला जो ऊतक होता है जाइलम ऊतक होता है। और साथ ही साथ मैं फ्रेंड आपको बता दूं, पौधों में खनिज लवण अर्थात
भोजन का संवहन करने वाला होता है फ्लोएम, और जल का जाइलम। जल से जल और जल से जाइलम, ये आप लोग याद कीजिएगा, पौधों में जल का संवहन करता है जाइलम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41। लोनार तालाब किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स लोनार तालाब महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, आप लोग याद कीजिएगा, लोनार तालाब महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भोजन में ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो फ्रेंड्स भोजन में ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है, कैलोरीज में, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोलकाता नगर की खोज किसने और कब की थी? तो फ्रेंड कोलकाता नगर की खोज 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक ने की थी, जॉब चार्नक ने, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता है एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम को विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जिन्हें 1954 ईस्वी में मिला था भारत रत्न पुरस्कार, एस राधा कृष्णन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फुटबॉल की गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो फिर फुटबॉल में खेल में जो गोल की चौड़ाई होती है 24 फीट होती है, 24 फीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 47। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो फ्रेंड्स अकबरनामा के रचनाकार थे अबुल फजल, अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिख धर्म का स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, जो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो फ्रेंड देख लीजिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे फ्रेंड्स। और इसमें यदि कहीं प्रॉब्लम रह गई हो, कहीं अशुद्धियाँ रह गई हो, तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसे शुद्ध करने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।